नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। मृत रेप पीड़िता के भतीजे के लापता होने पर आरोपियों का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। हाथरस कांड आपको याद होगा, उसी तरीके का जनपद उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में भी एक घटना घटी थी। उस गांव का नाम हिंदूपुर मजरा भाटनखेड़ा था, जहां एक युवती भोर पहर जला दी गई थी। युवती के परिजनों ने अपनी बेटी की घटना पर बताया था कि बलात्कार के बाद पैरवी कर रही बेटी को मिट्टी का तेल डालकर हत्या कर दी गई थी। आरोप जिन लोगों पर लगाए थे, पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पीड़ित परिजनों ने अपने भतीजे के गायब होने का आरोप आरोपी परिवार पर लगाया है, वह भी तब जब लगातार पुलिस पीड़ितों के घर की निगरानी कर रही थी। पुलिस के बीच बच्चा कैसे लापता हुआ या पुलिस अब तक पता कर नहीं पाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए IG लक्ष्मी सिंह गांव पहुंची थी। उन्होंने सिपाहियों को लाइन हाजिर कर अपना कोरम पूरा किया था, लेकिन पुलिस अब तक गुमशुदा बच्चे का पता नहीं लगा सकी है। घटना इतनी गंभीर है कि आरोपी परिजन भी सहमे हुए हैं। गुमशुदगी के मामले में भी आरोपी प्रधान व उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिना जांच के उनको भी जेल भेज दिया गया। परिवार में दो बेटियां हैं जो पैरोकारी कर रही हैं। अभी दो दिन पूर्व भी उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने उन्हें सातवना दी थी कि मामले की जांच कराई जाएगी और मुकदमा लिखवाने वाले पक्ष का भी नॉर्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाएगा। पेश है उन्नाव के संवाददाता साबान मलिक की खास रिपोर्ट। सर, मासूम बच्चे के अपहरण मामले में आरोपियों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट के निर्देश कोर्ट से दिए गए हैं। देखिए, जो घटना में पास है नामजद अभियुक्त है, उनकी सहमति इस संबंध में प्राप्त हुई है और माननीय न्यायालय से इस संबंध में अनुमति मिल गई है। अब शीघ्र ही FSL लखनऊ से तिथि निर्धारित करके उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा। अभी तक बच्चों को कोई सुराग नहीं सिखाया गया। देखिए, बरामदगी के लिए हमारी कई टीमें विभिन्न स्थानों पर लगी हुई हैं। जनपद के आसपास के जनपदों में, दूसरे पड़ोसी राज्यों में भी हमारी टीमें गई हुई हैं। लगातार तलाशी चल रही है, सभी संभावित स्थानों पर तलाशी की जा रही है, दबिश दी जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी तक बरामदगी हो पाई है और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हम बच्चे की सकुशल बरामदगी कर लेंगे।